शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, एसडीआई आदि का नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स है ये, और ये आपको सफलता प्राप्त कराने में पूरी तरीके से सहायक सिद्ध होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अवश्य किया करिए ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। इस चैनल को बढ़ाना, इस चैनल को बुलंदियों तक पहुंचाना ये आपका कार्य है। आपके समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी हम अवश्य ही कराते हैं। इसलिए आप सभी को इस चैनल के साथ जोड़ने के लिए आप लोगों को भी प्रयत्न करना है। आप लोग लगातार इस वीडियोज को शेयर किया करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है छात्रहित। छात्रहित का मुद्दा सर्वोपरि होता है और छात्रहित के लिए ही हम कार्य करते हैं। जो छात्रहित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, सीधी सी चीज है। जैसा कि मैंने कई भाषणों में सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी का बयान सुना है, उनके मैंने कई भाषण सुने हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने लगभग सार्वजनिक मंचों से जो है, मतलब रोजगार संबंधी बातें, प्राथमिक शिक्षक संबंधी बातें और जो मतलब माध्यमिक संबंधी बातें और जो इस तरीके के मतलब मुद्दे उन्होंने बोले हैं कि सुपर टेट में मतलब पास विद्यार्थियों को समायोजित करने की बातें हो, चाहे टेट पास के विद्यार्थियों को समायोजित करने की बातें हो, बीपीएड की बात हो या सीपीएड की बात हो या बीएड वालों की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बेबाक तौर पर राय रखी है। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। और जो छात्र हित की बात करता है वो बहुत ही प्यारा लगता है है ना। छात्र हित की बात करने वाले इंसान बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि छात्र ही सबसे ज्यादा, एक बात मैं आपको बता दूं, यूथ की पावर वो होती है कि यूथ की पावर ही 2007 में जो है मतलब मायावती जी को लाई, मुख्यमंत्री बनाई, यूथ की ही पावर 2012 में अखिलेश जी को गवर्नमेंट में ले आई, उनको मुख्यमंत्री बनाई, और यूथ के ही पावर ने जो है मतलब बीजेपी को भी सत्ता में लाया था। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि 10 मार्च के बाद आपको टेट और सीटेट के रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड का मामला चल रहा है वो भी सट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपको जो है 3031 पदों पर एलटी जीआईसी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। पदों का की संख्या बढ़ी है क्योंकि कुछ नए जो मतलब जीआईसी कॉलेजेस वो अस्तित्व में आए हैं और उनके लिए भी ग्रांट जारी हुआ है संपूरक बजट में। और ये नई गवर्नमेंट जब आएगी तो अपना जब पूरा संपूरक बजट पेश करेगी, क्योंकि अंतरिम बजट था, और जब ये संपूरक बजट आएगी तो उसमें सारी चीजों का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ 13,390 एलटी ग्रेड शिक्षकों का विज्ञापन आपका बन के तैयार है, एनआईसी को भेजा जा चुका है और इस बाबत आज जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने विज्ञापन भेज दिया है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अन्य माध्यमों के माध्यम से इस बात को लेकर के जो है मतलब शिकायत की गई थी कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो सकता है, इस वजह से विज्ञापन को जो मतलब डिले किया जाए। साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची भी इसी मसले को लेकर के अटकी हुई, लटका हुआ है। उसके साथ ही साथ 6500 नए पदों का विज्ञापन भी आपका जो है 10 मार्च के बाद ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आपको एक बेहतरीन खुशखबरी हम ये दे देना चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के आप लोग परेशान है कि सर विज्ञापन कब तक आएगा, आज सचिव महोदय श्री नवल किशोर शर्मा जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि सर अब तो जो मतलब प्रयागराज से जो है चुनाव आगे बढ़ चुका है, पूर्वांचल की तरफ चला गया है, तो मतलब विज्ञापन आदि को लेकर के चयन बोर्ड क्या कार्य कर रहा है, तदर्थों के मामले को लेकर के चयन बोर्ड क्या कार्य कर रहा है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 10 मार्च के बाद मतलब 12 मार्च के पहले पहले हम जो है विज्ञापन आदि जारी कर देंगे और साथ ही जो है तदर्थों के जो मामले हैं उन सभी मामलों को जो है मतलब हम संपूरक एफिडेविट 13 मार्च को दाखिल करने चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस बात का पूरा स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा और तदर्थों के पदों को नए विज्ञापन में अवश्य ही जोड़ा जाएगा और जोड़ करके हम विज्ञापन देंगे
और समस्त विद्यार्थियों को भरपूर अवसर भी देंगे ताकि जो है मतलब किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना ना हो सके और किसी भी तरीके की अवमानना की कार्रवाई हम पे ना हो सके। इसके लिए हम लोग विज्ञापन भी देंगे और सारी चीजों का जो है मतलब ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो कैवियट लगी है उस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये सारे मामले जो है मतलब आप लोगों के लिए हितकर है और आप लोगों के लिए जो है मतलब भलाई के लिए है। यूपी ट्रिपल एससी में भी जो चीजें चल रही हैं वो चुनाव बाद ही अब आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। कुछ चीजें बेहतरीन ढंग से निकल करके आ रही हैं, जैसे कि आपकी लेखपाल की भर्ती परीक्षा है वो आपका जो है अप्रैल में होना सुनिश्चित हो चुका है, जो सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ नए गवर्नमेंट के साथ और टेट के रिजल्ट के साथ आपको 85,000 सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये तो तय है कि परीक्षा के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार जो है मतलब ज्ञापन आदि सौंपे हैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को भी और उनके कई कद्दावर नेताओं को भी, अभिषेक मिश्रा जी को भी मैंने ज्ञापन सौंपा था जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी की सरकार में। इन लोगों को भी मैंने ज्ञापन आदि सौंपे थे और उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि सर मान लीजिए कि अगर जो है आप लोग सत्ता में वापसी करते हैं तो मतलब क्या ये सारी भर्तियां जो है एकेडमिक बेस पे होंगी या इनको जो है परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पहले की जो स्ट्रेटेजी थी वो अलग थी, अब की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग है। अब पूरी तरीके से एग्जाम के बेसिस पे जो मतलब वो चीजें की जाएंगी, चाहे वो एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, जीआईसी हो, आपका जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, एडेड जूनियर हो और जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती हो, ये सारी भर्तियां जो है परीक्षा के माध्यम से ही भरी जाएंगी, जैसे कि अभी चलता आ रहा है ना। तो आपको जो है परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। 1300 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन आपका एल टी ग्रेड का उत्तरांचल का भी आने वाला है, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे इन सारी चीजों को लेकर के किसी भी तरीके का आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और 10 मार्च के बाद वहां भी आपको ये विज्ञापन अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ और जो है मतलब इलेक्शन आदि का मजा लेते रहिए, नेताओं के वाद प्रतिवाद का मजा लेते रहिए। हम उसी के साथ हैं जो कि छात्र हित की बात करता है, क्योंकि मेरा चैनल हमेशा से ही प्रयासरत रहा है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन मिल सके, कोरोना काल के पीरियड के दौरान जो है मतलब एज रिलैक्सेशन मिल सके। इस बात के लिए हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनको जब इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था निश्चिंत रहिए कोरोना काल के पीरियड में जो भी नुकसान हुआ है, जो भी विद्यार्थी ओआरएस हो चुके हैं वो जो है मतलब इस बार कंपटीशन कर पाएंगे, फार्म आदि भर पाएंगे, इस चीज का वचन उन्होंने दिया। और जो मतलब इन सारी चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि ताकि मतलब विद्यार्थियों का हित हो सके, है ना। और आप लोगों को मैं इस बात का स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और इस बार अवसर भी मिलने चला है, भरपूर अवसर है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और जो मतलब अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। क्योंकि विद्यार्थी, हर विद्यार्थी जो होता है, जो कंपटीशनर होता है, जो तैयारी करता है, वो पढ़ता बहुत है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बताएगा। इसलिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ जुड़ना है और इस चैनल को नए मुकाम तक, नए मंजिल तक, नए बुलंदियों तक पहुंचाना है। आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।